कलकत्ता के तर्ज पर अब मुंबई में मनाया जाएगा नवरात्रि उत्सव, यह संकल्पना है बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे का। आपको यह तस्वीर देखकर हैरानी होगी कि एक बार फिर सुनील राणे के नेतृत्व में शानदार नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन और कलश पूजन का कार्यक्रम यहाँ बोरीवली कोरा केंद्र मैदान संख्या 3 में किया गया। तो यह तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार चौथे साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे के नेतृत्व में यहाँ कलश पूजा और भूमि पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि उत्सव दुनिया का सबसे बेहतरीन उत्सव में जाना जाएगा, क्योंकि यह पहली बार यह मौका होगा कि जब कलकत्ता के तर्ज पर मुंबई में नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नवरात्रि उत्सव कलकत्ता में मनाया जाता है, लेकिन अब इसका थीम जो है मुंबई में लाया जा रहा है, जिसकी संकल्पना है विधायक सुनील राणे की। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी कलकत्ता के अलावा पूर्व सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी भी मौजूद रहे, जहां पर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरव मेहता अपने परिवार के साथ भूमि पूजन में शामिल हुए, जिसे यजमान भी कहा जाता है। और यजमान के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से नीरव मेहता अपने पत्नी संग यहाँ भूमि पूजन करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, देखिए बोरीवली का अगर इतिहास आप देखेंगे तो रामदास जी के जमाने में हम लोग सोसाइटियों में घूम घूम कर नवरात्र उत्सव, गणपति उत्सव ये सारा करते रहे। वो समय की आवश्यकता थी। अब बोरीवली बहुत बड़ी हुई है और जब बोरीवली बहुत बड़ी हुई तो फिर संतोष राणे ने प्रारंभ किया, फिर बाद में संतोष सिंह ने प्रारंभ किया। गत 3 साल से सुनील राणे जी कर रहे, प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुरवे ये सारे लोग कर रहे हैं। और आवश्यकता भी, क्योंकि जनता पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो अलग अलग जगह पर जितने सुविधा मिलेगी उतना बड़े पैमाने पे लोग बाहर निकलकर इस महोत्सव का आनंद उठाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसके पीछे का सोच ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। डांडिया तो एक निमित्त है, लेकिन डांडिया के माध्यम से लोग देवी को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं सब लोग। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सोच उसके पीछे का ये है। और सुनील राणे जी ने इस बार एक नई कल्पना को लाई। सब गांडिया तो बहुत जगह पे होता है, लेकिन एक जगह पे हम
सीनियर सिटीजन लोगों को एकत्रित करके भजन करेंगे, भजन के बाद में भोजन भी करेंगे। ये एक नयापन बोरीवली के लोगों को इस साल देखने के लिए मिलेगा, जिसे मैं सुनील राणा जी का अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा को हम बहुत फैलाएं, जगह जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो एक अपनापन का भावना भी लोगों में पैदा हो, सनातन धर्म और मजबूत होगा। नवरात्र उत्सव समिति का ये लगातार चौथा वर्ष है बोरेली में और मैंने देखा कि पिछले साल लगातार बहुत सारे दांडिया गरबा उत्सव हुए, बहुत शानदार तरीके से हमने भी किया, लेकिन इस बार थोड़ी मैंने कल्पना अलग रखी है कि भक्ति रस नवरात्र उत्सव। हम सभी जगहों पे देखते हैं आरतियां होती है, प्रार्थना होती है, पूजा होती है, लेकिन थोड़ी अलग कल्पना जो कलकत्ता में होती है दुर्गा देवी की आराधना जो पूरे विश्व में देखी जाती है, वैसे ही अपने बोरीली में एक बहुत भव्य ऐसा भक्ति रस का कार्यक्रम हो जहाँ पर पूजा अर्चा आराधना भजन संगीत और दांडिया के लिए तो सामने हमारे कोरा केंद्र का तो भव्य दांडिया उत्सव होता ही है पिछले 20 वर्षों से, तो लोग वहाँ पर नृत्य करना है दांडिया खेलना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से भक्ति का आयोजन होगा और भक्ति के उस रूप को दुर्गा देवी के उस रूप को देखने के लिए लोग आएंगे जिसमें विशेष भव्यता से आरती होगी, जैसे हम गंगा माँ की आरती करते हैं वाराणसी के घाट पे और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उसी प्रकार की भव्य आरती माँ के प्रार्थना के लिए यहाँ पर की जाएगी।